फील की फैमिली, क्योंकि 2K23 के जबरदस्त मुकाबले में बहुत सारे सुपरस्टार्स की टीम आई और पता नहीं आजकल कौन सा नया अपडेट आया है कि रोमन की टीम को कोई टक्कर भी नहीं दे पा रहा है। इसलिए आज मैंने सोचा कि कोई नॉर्मल सुपरस्टार्स को नहीं लाते हैं, ठीक है। तो आज इस जबरदस्त मुकाबले में एंट्री कर रहे एक मॉडर्न सुपरस्टार जिनका नाम आप लोग जान रहे हो कि थैनोस है, और जैसा आप देख सकते हो कि इनका ओवरऑल भी रोमन से ज्यादा है, यानी कि टोटल 100 है। तो रोमन की टीम को ये हरा पाएंगे या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रोमन की टीम को एटलीस्ट ये टक्कर तो दे ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनकी टीम के पहले सुपरस्टार, ओ भाई साहब, हल्क होगन, और इनकी टीम के दूसरे और फाइनल सुपरस्टार लुडविक कैसर। चलो ठीक ही है, मतलब और अच्छे सुपरस्टार मिल सकता था लेकिन हल्क होगन है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या थैनोस, हल्क होगन और लुडविक कैसर मिलकर रोमन की टीम को फाइनली हरा पाते हैं या नहीं। फिल आर्मी, जब तक आज का गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। और इन केस अगर थैनोस जीत नहीं पाए या फिर थैनोस की टीम जीत भी गई तो कल कौन सा सुपरस्टार आएगा ये भी बता देना, मैं कसम। अभी तो स्टार्ट ही हुआ था रोमन, थैनोस 100 है, कम से कम 4 फिनिशर में एलिमिनेट होना थैनोस, अभी बोल दे रहा हूं। अगर 4 फिनिशर्स पहले थैनोस गए ना, मेरा भरोसा उड़ जाएगा, एक और स्पियर आ रहा है। अरे 100 है थैनोस, शर्म करो, मतलब थोड़ा सा 100 है, 2 स्पियर बैक टू बैक कैसे खा गए। ये देखो रोमन की टीम ने फिर मारना स्टार्ट, भाई आज तो 100 वाला लेकर आया हूं, अब इससे ज्यादा तो मैं मतलब बना भी नहीं सकता हूं, 100 सुपर और क्या दूंगा। चलो ठीक है, और हल्क होगन का भी तो 94 है ही, तो देखा जाए तो सबसे बेटर लुडविक कैसर ही खेल रहा है। थैनोस बिना कुछ किए एलिमिनेट हो गया ना, शर्म की बात होगी। 2-2 फिनिशर है, 100 ओवरऑल है, कम से कम एक आध एलिमिनेशन तो करना ही। हाँ, लुडविक कैसर ही को टैग दो, मुझे लगता है कि वो बल्कि बेटर खेलेगा। लुडविक बहुत तारीफ कर दी, फिनिशर आई थिंक लगा दिया रोमन ने। ओके, ये इसका फिनिशर है, सही है यार, फिनिशर लगा दिया, जो काम थैनोस नहीं कर पाया। भाई इस मैच में जिसका सबसे कम ओवरऑल वो कांड करके जा रहा है, गॉड मोड रोमन भी मारने आ गए थे, लुडविक कैसर तैयार है भाई, एक और फिनिशर, मुझे लगा एक और लगाने जा रहा है, रोमन को एलिमिनेट कर दे भाई साहब, खतरनाक कांड नहीं हो जाएगा। लेकिन लगता है कि इसको जितना मारना था मार लिया है, रोमन टैग दे सकते हो, बटिस्टा और गॉड मोड रोमन भी है, एक फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है, एक और लग सकता है। लुडविक बहुत अच्छा खेल रहा है, टैग बता रहा, लुडविक तू अच्छा खेल रहा है, होल्ड करके रख और फिनिशर देने की तैयारी कर, नीचे मत लेके जाना, रोमन को अच्छा आइडिया नहीं था, मैं पहले ही बोल रहा था, इसका खून निकल गया। ट्राइबल चीफ टैग नहीं दे रहे खुद ही, ओके बैक टू बैक 2 फिनिशर, लेकिन ओवरऑल ज्यादा नहीं है, और जैसा मैंने बोला ना कि नया अपडेट आने के बाद से 3-3 फिनिशर कम से कम लग रहा है सबको एलिमिनेट होने में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, और कोई नहीं, लुडविक ही एक आधा एलिमिनेशन करेगा। इसकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे इसके ऊपर उम्मीद जाग रही है। नहीं नहीं, देखो डिसीजन भी सही ले रहा है टैग देने का, क्योंकि हल्क होगन के पास 2-2 फिनिशर है, थैनोस को नहीं देकर तो बहुत अच्छा किया। 100 ओवरऑल वाले भाई साहब 2 फिनिशर खा के बैठे हुए आराम से, एक और लगेगा तो शायद थैनोस एलिमिनेट भी हो जाएगा। 100 ओवरऑल है भाई, मुझे लगता है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4 फिनिशर लगेगा थैनोस को एलिमिनेट करने में, पर कुछ ठीक नहीं है, 2K ने ऐसा ऐसा सरप्राइज एलिमिनेशन दिया है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्क होगन सर क्या कर रहे हो, ओके सबमिशन, नॉर्मल सबमिशन है, लेकिन रोमन का हेड भी ऑरेंज हो गया, जो बटिस्टा को देखकर लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि कब मुझे टैग मिले और मैं अपने अंदर के एनिमल को आके एनलिस्ट करूं, बटिस्टा को टैग मिल जाए। हल्क होगन सर तैयार रहो। अच्छा अच्छा, थैनोस नीचे भिड़ गया रोमन के साथ, थैनोस भाई तू तो बच ही रहना, ये हल्क होगन सर ने, ओ भाई ये क्या आज मतलब सबमिशन देना स्टार्ट किया है, रोमन को भी सेम सबमिशन, बटिस्टा को भी सेम सबमिशन, सर ये ठीक है लेकिन फिनिशर दे दोगे तो निपट जाओगे, याद रखना बटिस्टा काउंट आउट से एलिमिनेट मत करना किसी को, प्लीज अपने अंदर के एनिमल को अनलिस्ट करना स्टार्ट करो। तो इन दोनों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि काउंटिंग 5 ही तक का है, तो जो भी करना जल्दी आना। ये हल्क होगन सर क्या कर रहे हो, ये बटिस्टा बॉम्ब देंगे, बहुत बढ़िया भाई बटिस्टा, आज ये रोमन की टीम नहीं, नहीं नहीं, मुझे अभी तो नहीं लग रहा है कि हार सकती है, जब तक थैनोस अच्छा नहीं ना खेलेगा तो मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं। होगन सर भी देखो कितना अच्छा खेल ले, जब तक फिनिशर नहीं लगाएंगे कोई फायदा नहीं है, और जो सबसे अच्छा खेल रहा है भाई लुडविक, बेचारे के पास अब फिनिशर नहीं बचा है तो अब क्या करे वो, बटिस्टा फिनिशर फिनिशर, इतना वेट काय को कर रहे हो, अब क्या चाह रहे हो, टीम हार जाए, इतना दिन से अच्छा खेल रहे बटिस्टा, मैं चाहता हूं कि आज भी अच्छा खेले, लेकिन हाँ थैनोस की टीम देखो टक्कर दे रही है, भले ही थैनोस उतना अच्छा नहीं खेल रहा है, अभी तक तो उतना अच्छा नहीं खेला है, लेकिन हाँ थैनोस की टीम ने टक्कर दिया भाई। हल्क होगन सर की बॉडी ऑरेंज हो गई भाई बिना फिनिशर लगे, कोई बात नहीं, हेड भी आई थिंक येलो होने ही वाला है, कभी भी इनके साथ कांड हो सकता है, बटिस्टा बॉम्ब के लिए जाओ। चलो भाई चलो, होगन सर के साथ हो गया है कांड, बटिस्टा बॉम्ब, बॉम्बास्टिक बॉम्ब और पिनफॉल हो सकता है, रेजिलेंस जा सकती है,
रेजिलेंस यूज मत करना सर। पहला फिनिशर था इसलिए यूज नहीं किया है, बट इसके पास एक और फिनिशर है। होगन सर ये वाला रिवर्स करना चाहिए था, एलिमिनेट हो सकते हैं, बॉडी लाल है। सेकंड फिनिशर बैक टू बैक, लेकिन जब से नया अपडेट आया है भाई, कितना भी मार लो एटलीस्ट दो या तीन फिनिशर तो लगी रहे, जो कि अच्छी बात है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं बल्कि मैं खुश हूँ कि भाई हाँ ठीक है, दो तीन फिनिशर एटलीस्ट लगेंगे एलिमिनेट करने के लिए, जो कि शुरुआत से वही होना ही चाहिए था। ये देखो थानोस को नीचे रोमन मारने की जरूरत नहीं, बेचारा ऐसे ही अच्छा नहीं खेल रहा है। होगन सर पूरा मैच खत्म हो जाएगा, एक आध फिनिशर लगाओगे, दो फिनिशर इनके पास, एक सिग्नेचर है, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं। सर संभल के फिनिशर लगाना, ठीक है मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि फिनिशर ये रोमन कहां से आ गया अंदर। थानोस ने ओके फाइनली लेग ड्रॉप फिनिशर लगाया, रोमन बाहर जाओ वरना एलिमिनेट हो जाओगे। रोमन की पूरी टीम रिंग में आ गई भाई, क्या चल रहा है, ये सर्वाइवल सीरीज है, ये क्या हो रहा है। थानोस तू क्यों बाहर है भाई, तू क्यों अकेला फील कर रहा है, जा जब सब अंदर चले गए तो तू भी अंदर जा, रिंग खाली हो गया है। होगन सर बटिस्टा के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि थानोस से मेरी उम्मीद ना कम होती जा रही है। बाहर खड़ा हुआ था तब तक इसकी बॉडी येल्लो थी, रोमन ने इसको बाहर मार मार के इसकी बॉडी येल्लो से ऑरेंज कर दी है, तो बताओ मैं इससे क्या उम्मीद करूँ। 100 ओवरऑल देखकर मैं लाया था, मुझे लगा कि बहुत अच्छा खेलेगा, कुछ अलग टाइप का देखने मिलेगा, लेकिन नहीं, आज भी भाई रोमन की टीम को ये लोग टक्कर नहीं दे पा रहे। लेकिन अभी भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ जलवा दिखाएगा, लुडविक कैसर, बहुत बढ़िया आदमी को टैग मिला है। लुडविक भाई तेरे ऊपर बहुत उम्मीद है, दो तीन फिनिशर्स पहले एलिमिनेट मत होना, ठीक है। बटिस्टा की बात 2K23 में ना अपने को एक और नया सुपरस्टार आज शायद मिल सकता है, और मैं बता रहा हूँ लुडविक ने अगर आज के मैच में एक भी एलिमिनेशन किया ना, हलीस की टीम जीते या नहीं जीते, इसने एक भी एलिमिनेशन किया कैसे भी, काउंटआउट से भी, तो कल इसी की टीम में लेकर आऊंगा, अभी से अनाउंस कर दे रहा हूं। अगर एक भी टीम कैप्टन यही बनेगा, ठीक है, और उसके बाद इसकी टीम में जो भी आए। लुडविक देख मेरे भाई लालच भी दे दिया, अगर कल के मैच में आना चाहता है, टीम कैप्टन बनना चाहता है, एक आता एलिमिनेशन कर, बस देखो यही गलती नहीं करनी चाहिए, जो बाहर खड़े हुए उनको छोड़ो, जो रिंग के अंदर उन पे ध्यान देना चाहिए ना पहले, लेकिन नहीं। ड्रॉप किक, लुडविक चाहो तो टैग दे सकते हो, पर किसको टैग देगा, हल्क होगन भी पिटे गए, कभी भी एलिमिनेट हो सकते हैं, थानोस का भी वही हाल है, तो ये बेचारा करे तो करे क्या, खुद ही से अब एलिमिनेशन। भाई अगर सोचो 1v3 कर दिया लुडविक ने, मजाक चल रहा है क्या, चांसेस ना के बराबर, पर अगर ऐसा हो गया, और हो भी सकता है, देखो गेम है ना, कुछ भी पॉसिबल है, पर एक फिनिशर आ चुका है। लुडविक स्टाइल क्यों मारने लगा, गॉड मोड रोमन, अब एलिमिनेशन हो रहा है पक्का, संभल के रहना, स्टाइल नहीं मारना चाहिए था लुडविक, टैप आउट मत करना, टैप आउट मत करना। भले एक फिनिशर में लोग नॉकआउट नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक आध फिनिशर में टैप आउट कर सकते हैं, लो भाई नॉर्मल गिलिटीन थानोस को, वो तो अच्छा हुआ रोमन ने नॉर्मली लगाया, मेन वाला लगा, अरे रे रे रे, इसके साथ कांड होते रहेगा। एक तो ये लुडविक कैसर बेचारा ऐसा लग रहा है कि टीम ब्लडलाइन ही का है, ये टीम इंपीरियम का अटायर और टीम ब्लडलाइन के अटायर में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं ना, उसकी टीम में बस यही एक था जिससे मुझे उम्मीद थी, पर अब उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही है। रनिंग पावर स्लैम बटिस्टा के पास, आई थिंक इसके बाद फिनिशर बस आने ही वाला है, अभी आया नहीं है, एक दो पंच और लातवात भी मारेंगे, बटिस्टा तो चलेगा, बच गया लुडविक, संभल के अपना फिनिशर मत दे देना बस। चलो भाई साइडवॉक स्लैम, अब तो फिनिशर आना ही था, अगर बटिस्टा बॉम्ब रिवर्स नहीं किया, जा 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 टैग दे दे, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन गलत आदमी को टैग किया। थानोस फिनिशर, फाइनली एक फिनिशर लगाया थानोस ने, चॉक स्लैम ये फिनिशर था बटिस्टा, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुए इसके बाद भी। अरे रेफरी को मारने की क्या जरूरत थी, हड्डी के टकलू रेफरी था, लेकिन उसको मारने की जरूरत नहीं थी। रोमन बैक टू बैक दो फिनिशर, नहीं मैंने बोला ना बटिस्टा के अंदर का एनिमल अनलीस्ट हो चुका है, दो फिनिशर तो बैक टू बैक नहीं लगने वाला था। चलो भाई थानोस को टाटा बोलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अरे मैं तो भूल ही गया था एवेंजर्स में ड्रैक्स भी तो थे। सही है, तो पहले थॉर ने मारा था थानोस को, फिर टोनी ने गायब किया थानोस को, और अब मुझे लगता है कि ड्रैक्स एके बटिस्टा गायब करेंगे। बस कभी भी इसको बटिस्टा बॉम्ब लगे और इसका टाटा लगता है होने ही वाला है। ये बटिस्टा बॉम्ब नहीं, ये पाइल ड्राइवर था, पर इसमें मिला के बटिस्टा अपना फिनिशर दे सकते थे। थानोस 100 ओवरऑल, पता नहीं 100 ओवरऑल वाला जो भी रहता है ना, उसको बटिस्टा ही एलिमिनेट करते हैं, ओमनी मैन याद है ना। और इसी के साथ थानोस को हो गया टाटा, और इसकी टीम के दोनों सुपरस्टार को दोनों रोमन पीट रहे हैं। भाई क्या चल रहा है यार, 100 वाले को भी तो मैं लेते ही आया, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं। इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग अच्छे अच्छे नाम कॉमेंट्स करो जो कि आ सकते हैं इस टूर्नामेंट में और टक्कर दे सकते हैं, या फिर रोमन की टीम को अल्टीमेटली हरा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचा है, सिर्फ 9 दिन और बचे हैं, उसमें जो करना है करना है।
क्योंकि आप लोग जान रहे हो ना कि 9 दिनों बाद ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। हल्क हॉगन भी एलिमिनेट, बस एक लास्ट काम का आदमी बच गया भाई, एक आध एलिमिनेशन कर दे। अब लगता तो नहीं है कि तू जीता पाएगा, लेकिन अगर एक आध एलिमिनेशन भी कर दिया तो कल का टीम कैप्टन याद रखना, या हो सकता है भाई 3-3 एलिमिनेशन। देख रहे हो लड़के का जोश, हल्क हॉगन और थैनोस बताओ, जिसके बारे में मैंने अगर वीडियो स्टार्ट करके देखोगे तो लुडविक के सेलेक्ट होने के बाद मैंने बोला था कि थैनोस को और अच्छा टीममेट मिल सकता था, ही ज्यादा गलत बोला था, लुडविक कैसल से अच्छा टीममेट नहीं मिल सकता था, पर रोमन ने कर दिया कांड इसके साथ, इसी के फिनिशर से इसको एलिमिनेट कर दिया। वाह वाह रोमन वाह, आपके अलग ही जल में। और ये लोग तीनों सेलिब्रेट नहीं कर रहे, रोमन बटिस्टा और गॉडबोर्न, इतनी आदत हो गई ना जीत की। देख रहे हो भाई तीनों के तीनों बचे हुए, स्टार्टिंग में तो मार खा रहे थे ये लोग, लुडविक कैसल अच्छा खेल रहा था, एक आदमी एलिमिनेट ही हुआ भाई, ये क्या चल क्या रहा है। तो फिल आर्मी प्लीज आप लोग ऐसे कोई सुपरस्टार का नाम कमेंट करो, और प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लेना जो कि अभी तक नहीं आया हो, और वो आकर रोमन की टीम को हराना तो अब छोड़ ही दो, टक्कर एटलीस्ट दे और हराने तक लेते आए, या फिर हरा दे तो फिर भाई कमाली हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा कोई नाम कमेंट करके बताना, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, कल की वीडियो मिस कर दी स्क्रीन पे बन रही होगी उसको देख लेना। चलो मैं मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।